मुझे लगता है यही लड़की होगी। आओ बेटी, ये मेरी बेटी प्रिया है। नमस्ते। हाँ, मंदिर में देखा था मैंने। हाँ। तुम जब भी मंदिर से आती हो हमेशा बोलती हो कुछ अच्छा होने वाला है। आज देखो तुम्हारा मनचाहा वर मिल गया। अब क्या है कि दोनों परिवार राजी है तो जल्दी से शादी करवा दीजिए। लड़की की मर्जी तो पूछ लीजिए। अगर माँ पिताजी को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। लड़की शर्मा गई देखिए तो। देखिए हमें भी मंजूर है, हमारा लड़का शहर में है, एक बजरा उसे हम पूछ लें फिर। शुभकाम में देर मत कीजिए, फोन करके उनका फैसला भी जान लीजिए। जाइए जाइए, जाकर लड़के से यहाँ की बात बताकर उसकी राय भी ले लीजिए। हाँ, आता हूँ। यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? हाँ कहिए ना पिताजी। कैसे हो बेटा? मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारे होते हमें किस बात की चिंता हो सकती है? प्रिया के लिए एक अच्छा लड़का आया है, अगर तुम भी आकर उसे देख लो तो बात आगे बढ़ा ली जाए। वो लड़का प्रिया को पसंद है? हाँ उसे बिल्कुल पसंद है। आपको, माँ को, सबको पसंद है ना? हमारी पसंद छोड़ो बेटा, तुम्हें पसंद आना चाहिए। फिर क्या है, आप सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो बेटा लड़के वालों से हाँ कर दूं मैं? हाँ कर दीजिए पिताजी। ठीक है, रखता हूँ मैं फोन। ठीक है पिताजी। ठीक है चलो। हाँ चिंता वाली कोई बात नहीं है। अच्छा बेटे से बात हो गई क्या? क्या कहा उसने? बेटे से बात हो गई, उसे रिश्ता मंजूर है। अब देरी किस बात की, अगर दोनों परिवार की मंजूरी है तो एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मंगनी कर देते हैं। हाँ जरूर कर देंगे। देखो आप लोग खाना खाकर जाना। आप इतनी दूर आए तो खाना खाए बिना थोड़ी जाएंगे, प्रधान जी भी बार बार पूछ रहे थे खाना कब मिलेगा। दोनों की जोड़ी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। बस क्या हुआ समधी जी? मेरे बेटे की तरफ इशारा करके कुछ कह रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि लड़का बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी बीवी कह रही थी कि लड़का थोड़ा सा सांवले कलर का है बस। आपकी बीवी कौन सी मलाई के रंग की है? सही बात है। समधी जी, मेरा बेटा अक्ल में तेज है और आपकी बेटी सुंदरता में, इसलिए दोनों के मिलन से होने वाले बच्चे सर्वगुण संपन्न ही होंगे। हाँ, आपकी बात भी सही है, सही है। समधी जी, लड़के की बहन और जीजा कहीं दिख नहीं रहे? यही हैं, अभी आ जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे वो आते ही होंगे, यहाँ पर सब लोग हैं, गांव के प्रधान जी भी हैं, रस्में पूरी करते हैं ना। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, जल्दी से रस्म पूरी कीजिए। लड़की और लड़के का माता पिता सामने आइए, थाली बदल लीजिए। राम कुमार के बेटे गणेश को अपना दामाद मानते हैं और सुरेश की बेटी प्रिया को अपने घर की बहू स्वीकार करते हैं। अब दोनों समधी आपस में थाली बदल लें। रुकिए। ये सब क्या है दीपा? बोलो क्या हुआ? पापा ये शादी नहीं हो सकती है। पापा ए, सबकी रजामंदी से ये शादी हो रही है। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे ये शादी पसंद नहीं तो नहीं होगी। सबकी रजामंदी से ये मंगनी हो रही है तो फिर ये क्या है, क्या लगा रखा है? ए, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये मंगनी मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रोक रही हूँ। ऐसी कौन सी गलती कर दी? वो तुम्हें खुद ही पता है, तुमने जो किया है वो तुम्हारी अंतरात्मा को पता है। यहाँ आकर बड़ा मासूम बन रहे हो। वो सब पुरानी बातें समझी। अरे क्या पुरानी बातें हैं, तुम्हें लगा मैं कुछ नहीं जानती? ये तुम्हारी बहन है, मुझे पता होता तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं करती। हाँ इस कमीने की बहन के साथ मेरे भाई की शादी नहीं हो सकती। मेरा भाई पूरी उम्र कुंवारा रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बहन के साथ मेरे भाई की शादी कभी नहीं हो सकती, चाहे कोई कुछ भी बोले। करो तुम बहुत बोल रही हो, जरा सोच समझ कर बोलो। अपने बेटे की तरफदारी कर रहे हो? दामाद जी आप शांत रहिए, मैं इससे बात करता हूँ। बेटी हम सब बड़े यहाँ बैठे हैं ना, बात क्या है ये बताओ। पापा आप ये सब उसे मत पूछिए। तुम्हारे पिताजी पूछ रहे हैं तो बताओ क्या बात है। भैया आप तो चुप ही रहिए। देखो बेटी दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी हो रही है, आप रोकने के लिए कह रही हो, इसका मतलब क्या है ये बताओ मुझे। तो समझी जी ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मतलब मेरे से कहीं ज्यादा आपके लिए ये लोग जरूरी है? मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, जाइए आप इन्हीं लोगों से रिश्ता जोड़िए। सुनिए जी हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलिए चलते हैं। सुनो हाँ, चलो। इतनी बेइज्जती की इन्होंने हमारी, हम यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे, चलिए पिताजी। अरे बेटा तुमसे और दामाद जी से पूछकर ही तो यह फैसला लिया था।
अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आप ही बताइए, अगर रिश्ता अच्छा होता तो हम लोग मना क्यों करते? लेकिन तुम्हारा भाई उसे पसंद करता है। दुनिया में और सुंदर लड़की नहीं है क्या? अब देख लेना, मैं अपने भाई के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ ही निकालूंगी। प्रिया भी बहुत अच्छी लड़की है, इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही हो बेटी? भगवान के लिए आप ये सब मुझसे मत पूछिए पापा। तुम्हारी उस लड़की के भाई के साथ कोई दुश्मनी है क्या? पापा प्लीज। जो हो गया उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, अब आगे क्या करना है वो सोचते हैं। चलो ठीक है, बताओ क्या किया जाए। मेरे भैया कोई फैसला करते हैं उसमें जरूर कोई बात होती है, इन दोनों के बीच में जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें बता नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, लेकिन अब क्या करें हम? वो क्या बात है ये पता लगाना होगा। सही कहा प्रिया, हम दोनों शहर चलते हैं, वहीं से इस बात का पता चलेगा। मैं नहीं आऊंगी, मैं आ भी नहीं सकती, तुम्हें अकेले ही जाना होगा और ये पता लगाना होगा। ये बात मैं तुम्हारी प्रेमिका बनके नहीं, तुम्हारी बीवी बनके कह रही हूँ। कुछ भी हो जाए तुम ही मेरे पति हो। थैंक्स प्रिया, अगर ऐसे ही तुम्हारा साथ रहा तो मैं कुछ भी पता लगा सकता हूँ। बोलिए सर। सुना है तुम्हारे यहाँ अलग अलग राज्यों से नया माल आया है? हाँ सर, मुंबई, केरल, आंध्र जैसे अलग अलग राज्यों से आया है। माल अच्छा हो तो क्या है, अरे स्टेट लेवल तो क्या, इंटरनेशनल लेवल पर भी बिजनेस कर सकते हैं। बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा ये बताओ, केरला के माल का क्या भाव है? आंध्र का माल का 50,000, केरला का माल 70,000 का है और मुंबई का मटेरियल 1,00,000 का है। सर आपके लिए मुंबई का माल सबसे बढ़िया होगा। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ। मुंबई का मटेरियल एक बार इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए सर। बस बस भैया यहीं रुकिए। हाँ, जी बस यहीं पे। कितना हुआ भैया? 50 रुपया। स्कूल में किसी से लड़ाई मत करना। सुनिए जी, जल्दी करिए, देर हो रही है। जीजा जी, अरे सारे साहब जी आ गए। अरे अचानक आ गए, कहते तो मैं लेने आ जाता। कोई बात नहीं जीजा जी, कोई बात नहीं। सुनो। हाँ दीदी। माँ बाबू जी कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ए, कैसी है तू? अच्छी हूँ। स्कूल जा रही है क्या? अच्छे से पढ़ाई करना। हा? हाँ मामा। क्यों साले साहब, नाराज तो नहीं होना? अरे नहीं, क्यों नाराज होगा, आपने जो किया कुछ कारण से ही किया होगा। मेरा भाई तो समझदार ही है, बस माँ बाबूजी ही नहीं समझते। सुनो तुम बुरा मत मानना। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। मेरी बात सुनो, वो लड़की बहुत अच्छी है लेकिन उसकी फैमिली अच्छी नहीं है। जाने दीजिए ना साले साहब। हाँ? उस लड़की के भाई का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। छोड़िए ना जीजा जी, वो सब भूलने के लिए यहाँ आया। ठीक है, तुम अपनी बहन से बात करो। हाँ? मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, जाइए जाइए। चलो मामा को टाटा करो। मामा टाटा, बाय मम्मी। बेटी टिफिन पूरा खत्म करना और सुनिए, आते वक्त सब्जी नहीं मछली लेकर आना। हाँ ठीक है। सुनो कॉफी पियोगे क्या? अब हाँ हाँ पिला दीजिए। राधा आइए ना दीदी। बाजार चलने के लिए कह रही थी ना, बोलो कब चलना है। नहीं दीदी, मेरा भाई आया है ना। हाँ। आज नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, कल चलते। हाँ। हैं। अच्छा कॉफी पीकर जाइए। नहीं नहीं कॉफी नहीं चाहिए। अच्छा चलते हैं राधा। सुनिए सुनिए, मेरी बहन के साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ था क्या? बस उसी बारे में जानना है मुझे। हाँ बेटा, सही में तुम्हारी बहन के घर के ऊपर एक कुंवारा लड़का रहता था। उसकी दाढ़ी और शक्ल देखने में लफंगा लगता था और वो औरतों से धंधा कराता था। तुम्हारे जीजा जी ने उसे मार के घर से निकलने के लिए कह दिया और वो घर खाली करके चला भी गया। मैंने इस बारे में बात की, आप दीदी जीजा को मत बताइएगा। ठीक है बेटा। Thank you.
तुम्हें चाहिए ना ये, तो मैं जो भी पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। हाँ। तो फिर ये लो। अच्छा ये बताओ, मेरे आने से पहले यहाँ किसी से झगड़ा हुआ था क्या? किससे? एक ऊंचे अंकल थे, उनकी दाढ़ी भी थी, वो छत पे रहते थे। अच्छा। पिताजी ने उन्हें बहुत मारा और वो यहाँ से चले गए। इसका मतलब प्रिया का भाई यहाँ रहता था। हाय, मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाली थी लेकिन तुमने ही कर लिया। अच्छा तुम्हारा काम हुआ क्या? मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ।